हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। द इंडियन एक्सप्लोरर से मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने अमेजोन के मेंस वियर के हॉल वीडियो में। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं मेंस वियर लेकर आई हूँ अमेजोन से, और ये सब मैंने सेल के दौरान परचेज किया है। अभी अमेजोन पे चल रहा है दिवाली सेल, जिसके तहत आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जो प्राइस आपको अभी दिखेगा स्क्रीन पे, वो सेल प्राइस होगा। बाद में इससे कहीं ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप बाद में परचेज करो तो। अगर कुछ पसंद आता है तो अभी के अभी आप परचेज कर लो, ताकि आप सेल का फायदा ले सको। और इन सभी का बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कुछ भी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, सभी कुछ मैंने एक्सल साइज में मंगवाया है, तो आप अपने ट्रू साइज में मंगवा सकते हो, क्योंकि इसका मैं ट्राई ऑन देख चुकी हूँ, सही है। जो साइज मेंशन किया गया है उसी साइज में अवेलेबल है, तो आप अपने ट्रू साइज में सभी को मंगवा सकते हो। तो चलिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आज का कलेक्शन, वो ये है पीटर इंग्लैंड का ये टी शर्ट, कुछ इस तरह का है। कलर इसका है ग्रे, और लुक वाइज बहुत ही अच्छी है, जैसा फिगर में दिखाया गया है सेम मुझे रिसीव हुआ है। ये इसका स्लीव है, और साइज भी ट्रू साइज है इनका, एक्सेल मैंने मंगवाया है तो एक्सेल साइज मुझे सही लगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बस डिज़ाइन करा गया है कॉलर पे डिफरेंट कलर से, और इस तरह जो आजकल के टी शर्ट्स में होता है। और ये इसका फ्रंट लुक है, और ये है इसका बैक लुक। तो लुक वाइज बहुत ही अच्छी लग रही है, और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है इसकी, लिया जा सकता है। और नेक्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो है दिवाली में पहनने के लिए ये कुर्ता। इसका ब्रांड है सिम्बॉल, एक्सेल साइज में अगेन मैंने ये मंगवाया है। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका जो बटन है वो थोड़ा साइड करके है, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था तो मैंने मंगवा लिया। कलर भी इसका काफ़ी प्यारा है, फुल स्लीव्स है इसकी, और जैसा फिगर में दिखाया गया है सेम मुझे रिसीव हुआ है। क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी है, इसका मटेरियल सिल्क काइंड ऑफ है, और गले पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा गया है, और थोड़ा साइड में बटन है जो कि सारे ओपनेबल बटन है, फॉल्स बटन नहीं है, ओपनेबल है। गला छोटा है तो फॉल्स बटन से काम भी नहीं चलने वाला है। और ये इसका फ्रंट लुक है, और ये है इसका बैक लुक। इसमें पॉकेट भी दिया गया है, दोनों साइड पॉकेट दिया गया है कुर्ता में, काफ़ी डीप पॉकेट है जिसमें आप मोबाइल वगैरह आराम से रख सकते हो। लुक वाइज बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी है। मुझे नहीं लगता ये बाद में इस प्राइस रेंज में मिलने वाला है, अभी जो प्राइस है इसका 600 to 700 के अराउंड मुझे पड़ा, बट क्वालिटी देख के सामने से सच में ये महंगी लग रही है। तो आप अभी ही इसकी परचेजिंग कर लो अगर पसंद आता है। थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का था तो मैंने इसे परचेज किया। और नेक्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो है ये वाला कुर्ता, बहुत ही अच्छा ब्रांड है इसका VM, और ये मैंने 42 साइज में मंगवाया है। इसका XL L ऐसा करके नहीं मेंशन था, तो मैंने ये 42 साइज में मंगवाया है, सही साइज़ है, ट्रू साइज़ है। आप अपने ट्रू साइज में मंगवा सकते हो, पहनने के बाद फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और ये फुल स्लीव्स है, इसमें भी दोनों साइड पॉकेट दिया गया है। ये है इसका फ्रंट लुक, और ये है इसका बैक लुक। बटन जो इसमें है ये सारे ओपनेबल है, और यहाँ पे इस तरह का गला है। तो लुक वाइज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, साइज भी इसका सही है, ट्रू साइज में आप आराम से इसको मंगवा सकते हो। और नेक्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ ये है कॉटन का कुर्ता। ये सॉफ्ट सा है, मतलब आप गर्मियों में भी दिन भर आराम से पहन सकते हो। एक्सेल साइज में मैंने मंगवाया है, मतलब कोई भी स्टार्च वगैरह इसमें नहीं दिया गया है, सिंपल सा कुर्ता है। पॉकेट यहाँ पे ऊपर में दी गई है, और दोनों साइड नीचे भी पॉकेट है और ऊपर भी पॉकेट है, तो अच्छा मोबाइल वगैरह आप रखो, यहाँ पे पैसे रखने का काम आता है। कई लोगों को ऊपर पैकेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये सही है, कुछ कार्ड वगैरह रखना हो तो। और नीचे पॉकेट तो है ही मोबाइल वगैरह रखने के लिए। फुल स्लीव्स है इसका, कॉटन है, और बहुत ही कंफर्टेबल है, दिन भर भी इसको आप पहनो तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये इसका फ्रंट लुक है, और ये है इसका बैक लुक। फ्रंट में जो बटन दी गई है वो सारी ओपनेबल है, लुक एंड क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी है, आराम से आप इसके साथ जा सकते हो। और नेक्स्ट जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक कुर्ता। इस कुर्ता को मैं कई दिनों से देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था इसका डिज़ाइन, तो मैंने परचेज कर लिया। एक्सल साइज है इसका भी, और ये भी ट्रू साइज में है, आप आराम से अपने ट्रू साइज में मंगवा सकते हो। और इसका सामने से लुक कुछ इस तरह का है, थोड़ा सा वी नेक है, गोल पर पूरा गोल, और थोड़ा सा वी है, ज़्यादा डीप गला नहीं है। ये है इसका स्लीव्स, स्लीव्स पे भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करी गई है ब्लैक कलर की, तो इसको आप किसी भी ब्लैक या वाइट लेगिंग्स के साथ आराम से पेयर अप कर सकते हो। लुक वाइज काफ़ी अच्छी है,
ये है इसका फ्रंट लुक, पूरा नीचे तक इस तरह से बूटियां करी गई है, और ये है इसका बैक लुक इस तरह से, साइड में भी ऊपर से नीचे तक जो ये कढ़ाई किया गया है, इसके कारण लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी है, कॉटन थोड़ी सी मिक्स है इसमें, बट बहुत ही सॉफ्ट है, दिन भर आराम से इसको पहना जा सकता है, ऐसा मटेरियल है। ट्रू साइज़ में आप आराम से मंगवा सकते हो, और ये सिंगल पीस है, इसके साथ बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो ये था आज का छोटा सा अमेज़ॉन का हॉल वीडियो, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।